नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। वर्तमान में ऐसी कई खबरें सामने आती हैं जिसमें प्रदूषण और प्रदूषण रोकने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि एक स्टडी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 27% सफाई कर्मियों के फेफड़ों में गंभीर बीमारी है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदूषण से इस समय सब परेशान है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि सफाई कर्मचारी, कचरा बीनने वाले और सुरक्षा गार्ड सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण की चपेट में आ रहे हैं। देश में लगभग 97% सफाई कर्मचारी, 95% कचरा बीनने वाले और 82% सुरक्षा गार्ड अपने काम के दौरान प्रदूषण के संपर्क में आ रहे हैं। चिंतन पर्यावरण अनुसंधान और कार्यवाही समूह के अध्ययन में बताया गया है कि 60% से ज्यादा सफाई कर्मचारियों में से 50% कचरा बीनने वाले और 30% सुरक्षा गार्ड उन उपायों के बारे में नहीं जानते हैं जिनके जरिए प्रदूषण के जोखिम को दूर किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि कचरा बीनने वाले 75%, 86% सफाई कर्मचारी और सुरक्षा गार्डों के फेफड़ों का कार्य असामान्य पाया गया है। इसके अलावा 17% कचरा बीनने वाले, 27% सफाई कर्मचारी और 10% सुरक्षा गार्ड फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से पीड़ित मिली है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये सफाई कर्मचारी अपने आप को प्रदूषण से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और सरकार भी क्या क्या उपाय कर सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए आवश्यक है कि नाक और गले के जरिए शरीर में पहुंचने वाले प्रदूषण कणों की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए। वहीं कार्यक्रम स्थल के पास हाथ और चेहरा धोने की सुविधा अनिवार्य हो। प्रदूषण के जोखिम को सीमित करने के लिए कार्य में बदलाव जरूरी होना चाहिए। वहीं लैंडफिल साइट की आग को रोकने के लिए कड़े को खाद से तब्दील कर देना चाहिए, यानी कचरे को खाद में तब्दील कर दे। साथ ही कचरा जलाने की ड्रोन से निगरानी करने वाले बायो रेडिमेशन रणनीतियों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इन कुछ कार्यों को करके सफाई कर्मचारियों को प्रदूषण से मुक्त किया जा सकता है। खैर, आपको ये जानकारी पाकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या प्रदूषण को और भी कई तरीकों से रोका जा सकता है और सरकार इसमें क्या कदम उठा सकती है। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।